कैसे दोस्तों, आप सबका फिर से मेरी चैनल BNS में स्वागत है। आज मैं करने वाला हूँ नर्फ इलाइट 2.0 सीरीज वर्ल्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो। और हाँ गाइस, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा इसका बॉक्स। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे नर्फ की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको इलाइट 2.0 की भी ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे वॉल्ट SD1 मॉडल का नेम भी मेंशन है गाइस। इसके साथ आपको टोटल 6x इलाइट डार्ट्स मिल जाते हैं गाइस। इसकी मैक्सिमम रेंज यहाँ पे 90 फिट तक दिखाई है। यहाँ पे आपको 2x बैटरी रिक्वायर होगी क्योंकि इसमें लेजर बीम दी हुई है, लाइट बीम दी हुई है। इसलिए अभी आपको मैं पीछे की साइड दिखाऊँ तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 1200 रुपये मेंशन की और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है पीछे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया और हमें बॉक्स पे तो इतनी चीजें मिल जाती है। ये हमारा मेन ब्लास्टर गाइस, और इसके साथ हमें टोटल 6x इलाइट डार्ट्स मिल जाते हैं जो ब्लू एंड ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में गाइस। अभी मैं आपको पूरा ब्लास्टर नजदीक से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मेन ब्लास्टर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे, आपको यहाँ पे नर्फ की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे इलाइट 2.0 की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे वॉल्ट मॉडल का नेम भी मेंशन है गाइस। अभी आपको पीछे की साइड देखा, तो ये देखिए आपको यहाँ पे भी नर्फ की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे भी वॉल्ट मॉडल का नेम मेंशन है गाइस। ये रहा हमारा मेन ट्रिगर गाइस। ये पुल बैक हैंडल है ब्लास्टर को लोड करने के लिए गाइस। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दी है, ये लेजर बीम और लाइट बीम को ऑन करने के लिए गाइस। ये रहा हमारा डार्ट इंसर्ट करने का होल, यहाँ पे आप अपना डार्ट इंसर्ट कर पाओगे फायर करने के लिए। यहाँ पे आप 2 डार्ट्स एक्स्ट्रा कैरी कर पाओगे कुछ इस तरह से गाइस। ये देखिए ये 2 डार्ट्स आप एक्स्ट्रा कैरी कर पाओगे कुछ इस तरह से। अभी मैं आपको इसमें बैटरी कैसे इंसर्ट करने में आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले बैटरी इंसर्ट करने के लिए आपको ये टेक्टिकल ड्रेन ओपन करना रहेगा। वो कैसे करना मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। आपको इसके लिए ये कातर की जरूरत पड़ेगी या पेन से भी आप कर पाओगे। ये देखिए यहाँ पे होल दिया है, वहाँ पे आपको ये इस तरह से धक्का देना होगा। ये देखिए टेक्टिकल ड्रेन ओपन हो गई। और ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से पहले इसमें 2 AAA बैटरी इंसर्ट कर दी है। मैं वापिस इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए वापस बंद हो गया। अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ इसकी लाइट बीम को। ये देखिए ये ऑन हो गई गाइस, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये वर्क करती है। मैं वापस इसको ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ हो गई। अभी मैं इसको फायर करके भी दिखाता हूँ कि कैसे करना है गाइस। सबसे पहले आपको इसको पुल बैक हैंडल को लोड करना होगा, इस तरह से खींचना होगा। ये लोड हो गया ब्लास्टर, इस तरह से वापिस करके दिखाता हूँ। पुल बैक हैंडल को खींचना है, ये लोड हो गया। तो दोस्तों, अभी ब्लास्टर की क्वालिटी का मैं बात करता हूँ। जब ब्लास्टर की क्वालिटी काफी प्रीमियम लगी है और ये ब्लू एंड ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में काफी अच्छा लग रहा है गाइस। साथ में इसकी हैंड फीलिंग भी काफी सॉलिड और कंफर्टेबल ब्लास्टर है गाइस, और काफी लाइट वेट है ब्लास्टर, तो आपके बच्चों को भी उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें जो लाइट बीम दी है गाइस, वो सिर्फ डार्क में अच्छे से वर्क करेगी, वो बात आप खास ध्यान रखना। ओवर मुझे ब्लास्टर की क्वालिटी काफी अच्छी लगी। अब इसका परफॉर्मेंस कैसा है हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका परफॉर्मेंस चेक स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों अभी हम ब्लास्टर का परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। ब्लास्टर का परफॉर्मेंस काफी कमाल का लगा है, मैंने तो काफी एंजॉय किया गाइस इसके साथ। सीरियसली अभी तक मुझे इसमें कोई भी जैमिंग इश्यू नहीं मिला। इसमें जो पुल बैक हैंडल दिया है वो भी काफी स्मूथली वर्क कर रहा है और मुझे ब्लास्टर की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों काफी कमाल की लगी है गाइस। और आप इसमें दो डार्ट्स एक्स्ट्रा कैरी कर पाओगे कुछ इस तरह से, ये काफी अच्छा ऑप्शन दिया है इसमें गाइस। और आप इसमें रैपिड फायर नहीं कर पाओगे गाइस, एट अ टाइम वन ही डार्ट शूट कर पाओगे, वो बात आप खास ध्यान रखना। ओवरऑल मुझे ब्लास्टर का परफॉर्मेंस काफी कमाल का लगा है। डेफिनेटली आप ये ब्लास्टर बाय कर सकते हो, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से अराउंड 900 रुपीज में परचेस किया था। अगर आपको ये बाय करना है तो मैंने इसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया, वहां जाकर बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मिलेगा ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यार।